हमने दुनिया से वादा किया है कि साल 2030 तक कार्बन एमिशन घटाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का विकास करेंगे और एडिशनल 3 बिलियन टन कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी में तो हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के मामले में बेवकूफ बना रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक हेक्टेयर क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री लगानी है जो फॉरेस्ट लैंड पर है, तो भारत के कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन नियम के तहत मुझे किसी दूसरी जगह पर उतनी ही जगह पर जंगल लगाना होगा और क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट के आधार पर नेट प्रेजेंट वैल्यू भारत के अफॉरेस्टेशन फंड में जमा करानी होगी मुआवजे के तौर पर। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ये 10 से 16 लाख के बीच होती है। अब अगर जंगल लगाने के लिए मेरे पास एक हेक्टेयर जमीन एक जगह पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं अलग अलग जगह पर जमीन लेकर पेड़ पौधे लगाऊंगा। हो सकता है कि वो जमीन इस लायक हो ही ना कि वहां कोई जंगल लग सके। अब जो जंगल मैंने काटा था उसमें अलग अलग प्रजाति के पेड़ थे, कई पशु पक्षियों का वास था, तो सवाल है कि क्या मैं उतना ही बायोडायवर्स फॉरेस्ट लगा पाऊंगा और इसमें समय कितना लगेगा। भारत का कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन नियम जंगल काटने का बहाना दे रहा है। कहने को हो जाता है कि ठीक है, हमने जंगल काटा लेकिन लगा भी दिया। अब आप जानते हैं कि मैंने क्या काटा और क्या लगाया। पिछले 10 सालों में 1611 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड साफ कर दिया गया, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में फॉरेस्ट कवर 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। यह साफ धोखा है, क्योंकि जंगल काटकर पेड़ गिने जा रहे हैं, वो भी ऐसे जो अभी किशोर अवस्था में हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राज्यों को कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में प्राप्त हुए 55,000 करोड़ रुपए का अभी तक इस्तेमाल शुरू ही नहीं हुआ है। सरकारों को ये पैसे जंगलों की क्वालिटी सुधार और रखरखाव में खर्च करने थे। ये सही है कि भारत का कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन नियम एक हद तक जंगल के बदले जंगल लगाने को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। जंगल सिर्फ कुछ पेड़ों का झुंड नहीं होता, वो वर्षों के इंतजार के बाद पनपता है। वहाँ कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। जंगल बड़ी मात्रा में कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं। धरती के तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए कार्बन एमिशन का घटना और जंगलों का बढ़ना बेहद जरूरी है। पर्यावरण से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़िए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।